हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हेल्थी इंडिया चैनल। आज हम जानेंगे आयुर्वेद की ऐसी औषधि के बारे में जो आपके ब्रेन के लिए एज अ टॉनिक है। यानी अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन 100% वर्क करे, तो आपको ये औषधि का इस्तेमाल रोज करना चाहिए। इसके अलावा ये औषधि आपके त्रिदोष को बैलेंस करेगी, यानी वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में सबसे अच्छी मानी जाती है। आज हम जानेंगे ब्राह्मणी औषधि के बारे में। इसे आयुर्वेद में बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये औषधि एक रसायन की तरह वर्क करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और हमें बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाएगी। इसके अलावा ब्राह्मणी के इतने सारे फायदे हैं कि शायद हम गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, लेकिन इसके फायदे ख़त्म नहीं होने वाले। इसलिए आज हम ब्राह्मणी के सिर्फ 10 फायदों के बारे में जानेंगे, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप आगे भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी प्यारी सी फैमिली के पार्ट बन पाए। तो चलिए जानते हैं ब्राह्मणी के बारे में। ब्राह्मणी, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसे जल नीम भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे शारदा, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, प्लस इसे इंग्लिश में बकोपा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए इसके नाम से ज़्यादा इसके काम इम्पॉर्टेंट है। इसमें इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी ये औषधि इतनी सारी बीमारियों को अकेले ट्रीट कर सकती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट। इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाकर डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल सेल्स हैं, यानी हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन है, उसे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। प्लस एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से ये एंटी एजिंग की तरह भी वर्क करता है। यानी ये औषधि आपको लंबे समय तक जवान बनाकर रखेगी। अगर आप 40 की एज के हैं और रोज इस औषधि का सेवन करते हैं, तो आप 30 के नज़र आएंगे। इसके अलावा ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। आयुर्वेद में दिमाग को बढ़ाने की जितनी भी औषधि यूज़ की जाती है, ये उन सब में सबसे बेस्ट मानी गई है। आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, इसकी वजह से स्ट्रेस आना बहुत कॉमन है। हर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को नेचुरली ट्रीट करना चाहते हैं बिना किसी दवाई के, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी ब्रेन मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपके मूड को हमेशा खुश रखेगा। ये औषधि दिमाग से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, उसमें नंबर 1 वर्क करती है। ये जड़ी बूटी हमारे शरीर में जाकर ग्लूटामेट और डोपामाइन जैसे हार्मोन के लेवल को बैलेंस करती है। इसके अलावा सेरोटिन के लेवल को इंक्रीज करती है, ताकि आपका मूड हमेशा हैप्पी रहे, और आपकी बॉडी में कार्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ने से रोकती है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। नंबर 3, ये ब्लड को प्यूरीफाई करने में सबसे इम्पॉर्टेंट मानी गई है। अगर आपको खून की कमी है, तो भी ये औषधि का सेवन आपके लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसमें मौजूद आयरन बॉडी में जाकर रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से इनक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन हमेशा चमकती रहे, तो भी आपको ब्राह्मणी जैसी औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस इसका नेचर ठंडा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पित्त को शांत करता है, क्योंकि बॉडी में पित्त बढ़ने की वजह से पिंपल्स, रिंकल जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये इन सभी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करती है। इस औषधि का तेल बालों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अगर आपको बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक डैंड्रफ की प्रॉब्लम, ड्राई हेयर, फिजी हेयर जैसी प्रॉब्लम, तो इन सभी को ये औषधि सबसे अच्छी तरीके से सॉल्व करती है। आपको बस ब्राह्मणी का तेल बनाकर लगाना है। ये स्कैल्प को क्लीन करेगी और हेयर ग्रोथ को इनक्रीज करेगी। यानी आपके बालों को बढ़ाने में ब्राह्मणी बहुत अच्छी मानी गई है। ये आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करेगी और बालों को मॉइस्चराइज करेगी। नंबर 4, अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज़ है,
लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम या फिर साइनस जैसी प्रॉब्लम, तो भी ये औषधि नंबर वन मानी गई है। ये हमारे शरीर में जाकर एक्स्ट्रा म्यूकस को, यानी जो एक्स्ट्रा कफ हो जाता है, उसे बॉडी से ईजिली फ्लश आउट कर देती है। तो अगर आपको कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको ब्राह्मणी का काढ़ा बनाकर लेना चाहिए। इसके अलावा इसका नेचर डाईयूरेटिक है, यानी ये यूरिन को खुलकर लाने में हेल्प करेगी। अगर आपको यूटीआई जैसी प्रॉब्लम है, यूरिन खुलकर नहीं आता या यूरिन में जलन की प्रॉब्लम है, तो भी आपको इस औषधि का काढ़ा बनाकर लेना चाहिए। अगर आप इस औषधि को रोज काढ़ा बनाकर लेते हैं या फिर पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, तो आपके शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं, यानी हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन है, उसे ये बॉडी से ईजिली बाहर कर देगी। तो ये औषधि शरीर की सफाई करने में बहुत अच्छी मानी गई है। अगर आप लोगों के घर में एल्युमिनियम की कढ़ाई है या फिर एल्युमिनियम के कुकर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन क्रिएट हो रहे हैं, और ये ब्राह्मणी जैसी औषधि इन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो जो लोग भी एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल कम से कम करें या फिर कम्प्लीटली अवॉइड करें, ताकि आपके शरीर का यूरिक एसिड ना बढ़े। लेकिन अगर फिर भी कोई मजबूरी के कारण आप उन बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ब्राह्मणी जैसी औषधि का काढ़ा बनाकर लेना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, यानी अगर आपको गठिया की समस्या है, तो भी आपको इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल पेन किलर की तरह वर्क करती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी इस औषधि का काढ़ा बनाकर लेने से आपका दर्द और आपकी सूजन दोनों ही नेचुरली सॉल्व हो जाएगी। नंबर 6, आपके हार्ट के लिए भी एज अ टॉनिक वर्क करती है, यानी ये आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचाएगी। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करें, ये बीपी को ईजिली नॉर्मल कर देगी। नंबर 7, ब्राह्मणी जैसी औषधि को आपको गर्मी में तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये गर्मी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से आपको बचाएगी, जैसे डायरिया, फीवर, इसके अलावा हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से भी आपको सेव करेगी। इसका नेचर ठंडा है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के पित्त को शांत करेगी। तो गर्मियों के टाइम इसका इस्तेमाल तो आपको जरूर करना चाहिए। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन गर्मियों के टाइम आपको इसे देसी घी के साथ लेना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें इस औषधि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये उनके गुस्से को शांत करेगी और उनकी बॉडी में सात्विकता को बढ़ाएगी। नंबर 8, ये हमारे लीवर के लिए भी सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। ये लीवर की जड़ से सफाई करेगी और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। तो अगर आपके लीवर में गर्मी बढ़ गई है, यानी आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो भी आपको इस औषधि का काढ़ा बनाकर लेना चाहिए। ये जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करेगी। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम पर सबसे अच्छी वर्क करती है। अगर आपको नर्व्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको ब्राह्मणी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद 1 महीना रोक दें, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर लें। ऐसा हमें हर जड़ी बूटी के साथ करना चाहिए। नंबर 9, ब्राह्मणी जैसी औषधि का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को काफ़ी हद तक रोक देते हैं। इसके अलावा ट्यूमर को ये नेचुरली ट्रीट करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर किसी को ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम है, तो इसे घर पर ट्रीट करने की गलती बिल्कुल ना करें। प्लस ये एंटी डायबिटिक है, यानी अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस औषधि का इस्तेमाल करें। ये ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे कम करेगी। इसके अलावा ये इंसुलिन के सिक्रीशन को इम्प्रूव करेगी। तो इतनी सारी बीमारियों को ट्रीट करने में आप ब्राह्मणी जैसी औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, ये नींद लाने में सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। ये बॉडी में जाकर स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को अच्छे से सिक्रीट कराती है। ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है कि इसके इतने सारे फायदों को देखकर कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इस पर रिसर्च की गई और 50 लोगों को इसके लिए चुना गया, जिसमें से आधे लोगों ब्राह्मणी जैसी जड़ी बूटी दी गई और आधे वो लोग थे जिन्हें ये जड़ी बूटी नहीं दी गई। और 4 वीक के बाद उन लोगों के ब्रेन का टेस्ट लिया गया, जिसमें पाया गया जो लोग ब्राह्मणी का इस्तेमाल करते थे,
उनकी ब्रेन पावर कमाल की थी। वो कुछ भी पढ़ते थे उन्हें इजीली याद हो जाता था, जबकि 25 लोग ऐसे थे जिनकी ब्रेन की पावर उन लोगों से कम थी। उसके बाद साइंटिस्ट के द्वारा इस औषधि पर पूरी तरीके से रिसर्च की गई और तब जाकर मॉडर्न साइंस के द्वारा भी यही माना गया कि ये औषधि ब्रेन के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ब्रेन रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो आपको इस औषधि का इस्तेमाल तो जरूर करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है इसे कैसे लेना है, तो आपको सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपके घर में ब्राह्मणी का पौधा है तो आप इसके 4 से 5 पत्तों का इस्तेमाल रोज सुबह खाली पेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो मार्केट में इसका पाउडर आपको इजीली मिल जाएगा, और इसके अलावा होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसके 20 ड्रॉप को आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस जड़ी बूटी के इतने सारे फायदे जानने के बाद अब बारी आती है इसके कुछ साइड इफेक्ट जानने की। तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें, इसको कभी भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं लें। ऐसा करने से आपको स्टोमिक क्रैम, फटीग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये औषधि का नेचर ठंडा है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर सकती है, यानी आपकी अग्नि को शांत कर सकती है। तो गर्मियों के टाइम आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठंड के टाइम जब भी आप ब्राह्मणी का इस्तेमाल करें उसके साथ आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन भी वीक ना हो और आपको ब्राह्मणी जैसी औषधि के पूरे बेनिफिट मिल पाए। सो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला हो। सो फ्रेंड, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।